कैसे हो आप सब दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं भाई के क्या सनी देओल जी का कैमियो हो सकता है क्या, कौन सी मूवी में? जी हाँ, वनवास मूवी में हो सकता है क्या। इसके बारे में मैं डिटेल मेरा एक अंदाज़ा भी दूंगा और बात भी होगी, इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल, थोड़ा उतना भी बड़ा वीडियो नहीं होगा, डोंट वरी। तो बात देखो भाई क्या है कि इस फिल्म में, ये अनिल शर्मा की फिल्म है, उत्कर्ष शर्मा इसमें है, नाना पाटेकर इसमें है, और अनिल शर्मा हो या सनी देओल हो, सनी देओल की उत्कर्ष और नाना पाटेकर सबसे अच्छी खासी दोस्ती है जी स्टूडियोज़ की ही, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। ये फिल्म है यानी कि गदर वालों का ही सब कुछ है। तो भाई ऐसे में क्या सनी देओल का कैमियो है? कुछ लोगों ने तो भाई वीडियोज़ भी बना लिए कि भाई हाँ पक्का है। तो देखो इस पर एक बात बोल रहा हूँ मैं, कैमियो है या नहीं ये सरप्राइज़ होगा उस फिल्म में, ये मैं आपको बोल देता हूँ। ये बिल्कुल ना उसका टीज़र आने दो, ट्रेलर आने दो, सनी देओल का ये नाम भी नहीं आने देंगे। अगर कैमियो होगा तो वो सरप्राइज़ कैमियो होगा, बट नहीं भी हो सकता यार, ये जस्ट ऐसा दिखाया जा रहा है। बट अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सुनो, अगर हम थोड़ा सा गौर से ध्यान करें, ध्यान से देखें, तो वनवास अब नहीं देते अपनों को, वनवास ऐसी कोई टैगलाइन है ना मुझे याद नहीं है, बट एक अच्छी फैमिली इमोशनल ड्रामा अगर ये फिल्म है, और अपने भी अनिल शर्मा की थी और सनी देओल ने उसमें भी काम किया था, तो सनी देओल पाजी का कैमियो नहीं होने के भी चांसेस इसीलिए नहीं है, यानी कि हो सकता है कैमियो, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि सनी देओल पाजी को कोई एक शायद अगर होगा कैमियो तो एक छोटा सा कैरेक्टर दिया होगा इमोशनल वाला। और क्योंकि अगर ये फिल्म जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फैमिली से कनेक्टेड है, और अनिल शर्मा सनी देओल के एट प्रेजेंट वाले स्टारडम का फ़ायदा तो डेफिनेटली उठाने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि सनी देओल सबसे पहले थे जिन्होंने उन कल वो पोस्ट की ऑल द बेस्ट वाली, उत्कर्ष को, अनिल शर्मा को टैग करके, नाना पाटेकर सबको, तो थोड़ा सा एक उम्मीद बन रही है। और इसमें एक्ट्रेस भी शायद गदर की हीरोइन है, वो अमीशा नहीं यार, उसकी बहू, हाँ वो अपना यार नाम भूल गया मैं उसका, सो सॉरी, नहीं मतलब फेमस नाम है मेरे अभी मुंह पे भी है वो नाम, ऐसा नहीं कि मैं उसका नाम ही याद नहीं है मुझे, मैं याद करने की कोशिश करो, वीडियो बनाते हुए कभी कभी भूल जाते हो यार, हाँ सिमरत या सिमरन कौर कोई या ऐसा हो जाता है देखो, बट नाम नहीं पता ये नहीं बोल सकते। तो भाई अब यही है कि सनी देओल मेरे अकॉर्डिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट कैमियो बिल्कुल नहीं है ये बोल के हम, मैं मतलब देखो यार ये पूरी की पूरी टीम गदर वाली है, ये पूरी एक फैमिली है, और सनी देओल पाजी को ये क्यों नहीं लेंगे? अगर देखो मुझे लगता है जो फैमिली से कनेक्टेड वाली फिल्म है ना उसमें एक छोटा मोटा भाई कैमियो तो हो सकता है सनी पाजी का, या और अनिल शर्मा के वो अच्छे दोस्त है तो वो कैमियो के ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, तो बजट भी ज़्यादा नहीं होगा, बट यार लगता है कि हो सकता है कैमियो, क्यों नहीं होगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे पर्सनली अगर मुझे बोलोगे ना, मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कैमियो है जी हाँ, या बट अब ये कन्फर्म नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पूछा बाय द वे अनिल जी ने, तो एनीवेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ख्याल रखो अपना, बट ये सारी अगर हम कड़ियों से कड़ी जुड़ाए तो समहाउ एक फील आता है कि यार हाँ कैमियो तो होगा।